नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। आज आपके सामने जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है इंडियन आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके अंडर में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, तो उससे पहले कि मैं पोस्ट पे जाऊँ, मैं पहले इसकी बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे ट्रेड वाइज वैकेंसीज पे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई, तो एक ही तरीका है कि sarkarirezult.com पे जाइए और वहां पे आपको इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरा है इम्पोर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ओपन हुई थी 25 मई को 2021 को और इसकी लास्ट डेट है 23 जून। ठीक है, फिर है एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी एसटी सारे कैंडिडेट्स सबके लिए ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक, दूसरा है एज लिमिट, मिनिमम 20 इयर्स है और मैक्सिमम 27 इयर्स है। ठीक, यानी 20 साल से कम नहीं होना चाहिए इंसान या लड़के या लड़का जो भी कैंडिडेट है, और 27 इयर्स से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। वैकेंसी डिटेल्स में हमारा जो मेन है वो है, इसमें दो है, शॉर्ट सर्विस कमीशन 57 मेन एंड वीमेन दोनों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो मेन में वैकेंसी है 175 टोटल और वुमेन में जो वैकेंसी है वो है 14, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन 28 वुमेन वेरियस पोस्ट 14 है और मेन में 175। इन दोनों के लिए ही जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी, वो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड डिसिप्लिन। यानी आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसमें आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसमें अप्लाई कर सको। ठीक, और एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको और डिटेल जानना है, और इन्फो के बारे में जानना है कि इंडियन आर्मी में ये वैकेंसी में क्या क्या लगने वाला है या क्या क्या इसमें और जो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in पे। इस पे जाकर के आप अपनी सारी जो क्वेरीज हैं उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके बारे में, ट्रेड रिलेटेड वैकेंसीज में देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी ट्रेड रिलेटेड वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें आप यानी मेल या फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। स्टेट्यूट, चलिए देखते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो आपके सामने मैंने ट्रेड वाइज लिखी हुई है, सिर्फ इतनी ही नहीं है, इससे भी ज्यादा है, मतलब 25 प्लस ट्रेड में वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ मेरे बोर्ड में लिमिटेड स्पेस है इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ ही दिखा पा रहा हूँ। बाकी अगर आपको देखनी है तो आप sarkarirezult.com पे जाकर के पूरी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिविल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, इसमें वैकेंसी है मेन के लिए 60 है और वुमेन के लिए 5 है। ठीक, अगला है आर्किटेक्चर, यहाँ मेन के लिए 1 है, यानी मेल जो वैकेंसी है वो 1 है और फीमेल में 0 है। मैकेनिकल में मेल में 5 है और फीमेल में 1 है, सिर्फ 1। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 वैकेंसीज है मेल में और 1 वैकेंसी है फीमेल में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 31 वैकेंसीज है मेल में और फीमेल में 4 वैकेंसीज है ओनली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें मेल में 12 वैकेंसीज हैं और फीमेल में 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ 5 वैकेंसीज है मेल में, लेकिन फीमेल में 1 भी नहीं है, 0। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें मेल में 2 वैकेंसीज हैं और फीमेल में 1 भी नहीं है। ठीक, इसके आगे और भी वैकेंसीज है जैसे मैंने पहले बताया है, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं थी इस वजह से मैं नहीं शो कर पाया। आप इसको अगर पूरा देखना चाहते हैं तो sarkarirezult.com पे जाके विजिट करिए, वहां आपको सारी ट्रेड और उनसे रिलेटेड जितनी वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।